कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पॉलिटिकल थ्योरी पे भी वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, तो आपके लिए आज पॉलिटिकल थ्योरी पे वीडियो, आपका जो पेपर है पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का, उस पे आज ये वीडियो है पॉलिटिकल थ्योरी की, जिसे आपको आपके प्रोफेसर पढ़ाते हैं और फिर भी वो बहुत इतना ज़्यादा उनसे आंसर क्वेश्चन आंसर करने के बाद भी आपको कन्फ्यूज़न रह जाता है उसी टॉपिक पे। मैं आपके लिए कोशिश की हूँ कि एकदम अच्छे से डिटेल में आपको समझा सकूँ ये टॉपिक कि एक्चुअली में व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, उसका नेचर, उसका स्कोप, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ले आऊँगी थ्योरीज़ और थ्योरीज़ के बारे में वो जो भी चीज़ें होती है बहुत सारी। तो पहले आपका पहला टॉपिक ये है, और गाइस हाँ, जो लोग मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, मेरे वीडियो के जस्ट नीचे मेरे चैनल का नेम होगा, अपना भी एक क्लासेस, उसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर से, उसे जाके क्लिक कर दें। क्योंकि गाइस बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ कि मैंने बहुत सारे, जैसे एनरोलमेंट का ही प्रॉब्लम था, उस पर मैंने वीडियो डाल के अपलोड कर दिया और बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही, तो वो लोग मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं। तो व्हाट्सअप पे क्या होता है ना, कई बार आपके मैसेज मैं बाद में देखूंगी चक्कर में छूट जाता है, नीचे चल जाता है, फिर मुझे ध्यान में नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप मुझे कमेंट करेंगे नीचे मेरे वीडियोज़ के नीचे, तो फिर मैं आपका तुरंत समय निकालूँगी, उस कमेंट पे ध्यान देके उसका सलूशन निकालूंगी, अगर टाइम मिला उसके लिए वीडियो भी बना दूँगी। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि अगर मैं किसी भी आपके प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए कोई वीडियो बना रही हूँ, तुरंत आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है, उस प्रॉब्लम का आपके सलूशन दे दिया है, और आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर तो आप कैसे आपकी हेल्प हो पाएगी। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाऊँ तो आपके फ़ोन पे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, जैसे कि सोशियोलॉजी का दो टॉपिक हमने कवर कर लिया था, क्या क्या किया था, पहला टॉपिक था कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, उसका नेचर, उसका स्कोप, कैसे आया वो और कैसे फ्लरिश किया, ठीक, ये था। और दूसरा था हमारे पेपर टू का पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा, वो सब धर्म कर्म, धर्म काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष देखा। अब ये जो हमारा है पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट, तो पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक, पॉलिटिकल थ्योरी इस पेपर का नाम है। और इसमें हमें पहला जो हमारा टॉपिक है कि वो हमें पढ़ना है कि व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एटलीस्ट हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से पहले ये तो जान लें कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है, ठीक है। आप कुछ भी पढ़ने जाओगे, किसी चीज़ के बारे में जानने जाओगे, जैसे हमको इस मार्कर के बारे में जानना है, तो हम इसके बारे में, इसके अंदर क्या लिखा है, तो पहले तो ये तो जान लें कि व्हाट इज मार्कर, व्हाट इज बेनिफिट, डीमेरिट, मेरिट, तो उसके बाद में ना इसकी, इसके बाद में इसकी कंपनी खोलेंगे। तो उसी तरीके से जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस को जब तक नहीं समझेंगे, फिर उसके अंदर की चीज़ें कैसे पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर में हम पॉलिटिकल साइंस ही समझेंगे कि एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस है क्या, उसका डेफिनेशन, फिर उसका नेचर, फिर उसका स्कोप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग, फिर देखेंगे उसका डेफिनेशन। मीनिंग, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस कम्स फ्रॉम वर्ड पॉलिटिक्स, विच वर्ड, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, वो किस वर्ड से आया है, पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स कौन से वर्ड से डिराइव होता है, पोलिस, किस वर्ड से, पोलिस, पोलिस को एक ग्रीक वर्ड है हमारा, कौन सा वर्ड है, पोलिस ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट, क्या मतलब होता है, सिटी स्टेट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा, जो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस वो कहाँ से, किस वर्ड से आया है, वो हमारा पॉलिटिक्स नाम का एक वर्ड है जिससे निकला है हमारा पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिक्स कहाँ से आया है, पॉलिटिक्स एक ग्रीक वर्ड है पोलिस, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट, एक शहर, उससे निकल के आया है पोलिस, फिर पोलिस से पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से फिर पॉलिटिकल साइंस। तो ये स्टेजेस रहे हैं हमें पॉलिटिक्स साइंस जो वर्ड दिया गया है हमारे सब्जेक्ट को उसके बनने में, ठीक। तो अगर इस हिसाब से देखें तो पॉलिटिकल साइंस को क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ सिटी एंड स्टेट इन साइंटिफिक मैनर, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ सिटी एंड स्टेट इन साइंटिफिक मैनर, लेट अस इन प्रैक्टिकल वे, अंडरस्टूड इन अ प्रैक्टिकल वे, ठीक। देखिए आप पॉलिटिकल साइंस, जैसे आप पॉलिटिक्स देखते रहते हैं, एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, फिर चुनाव हुआ रहा, वो जीत रही है, वो हार रही है, तो जो पॉलिटिकल साइंस है वो उसमें गवर्नमेंट है वो पावर में आती है, फिर वो जो सोसाइटी का वेलफेयर का है उसका वर्क करती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो जो है ना, तो उसके बारे में
जो चीज़ें होती हैं, इलेक्शन होता है, दो तीन पार्टियां होती हैं, फिर जो पार्टी फिर पावर में आती है, जो जीतती है पावर में आती है, फिर वो रूल करती है, सोसाइटी के लिए करती है, उसका इंटरनेशनल रिलेशन होता है, नेशनल के अंडर वो बहुत सारे काम करती है, ठीक। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी करते हैं हम, यही सारी जो चीज़ें हैं इन्हीं की स्टडी हम किसके अंडर करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो इन सब की स्टडी यूँ ही नहीं कि बस ये सारी चीज़ें तो बस इनको ऐसे होल में उठाया पॉलिटिकल साइंस में भरते हो कहीं से कोई भी पढ़ रहा है ना, ऐसे नहीं होता। कोई भी चीज़ पढ़ी जाती है या कोई सी चीज़ के ऊपर कोई थ्योरी बनती है तो एक सिस्टम मैनर सिस्टमेटिक और उसके ऊपर उसको जान के काफ़ी रिसर्च करके बनती है। तो पॉलिटिकल साइंस भी बहुत सारे रिसर्च के बाद बनी। तो ये कैसे बनी ये देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ सिटी एंड स्टेट इन अ साइंटिफिक मैनर। जो हमारा सिटी और स्टेट, स्टेट आप देखिए पहले तो आप स्टेट जब स्कूल तक रहे होंगे तो मतलब यही जानते होंगे, स्टेट मतलब जो हमारा राज्य नहीं, स्टेट मतलब क्या, हम अपने पूरे अपने टेरिटरी, हमारा जो इंडिया का टेरिटरी है जितना भी उसके अंदर की जितने भी क्षेत्र हैं वो पूरा हमारा एक स्टेट है, जिसे एक गवर्नमेंट गवर्न करती है जो पावर में रहती है, और उसके जो भी फंक्शंस जो भी चीज़ें होती हैं लोगों को गवर्न करना, उनके लिए फैसिलिटीज सब्सिडी जो भी ए टू जेड जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट करती है लोगों के लिए, या जो भी रोल होता है उस गवर्नमेंट का या एंटी पार्टी का या पार्टी जो पावर में है, तो सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ी जाती है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, चाहे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जो कुछ भी पढ़ना होता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। तो इसीलिए अब वो किसके लिए होती है, जो हमारा स्टेट पूरा जो हमारा इंडिया है उसके लिए जो भी कुछ होगा वो हमारे इंडिया के लोगों के लिए ही होगा ना, जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। तो पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ सिटी। पॉलिटिकल साइंस हमें क्या पता, किसके बारे में पढ़ने के लिए बताता है, सिटी के, जो हमारा सिटी है, एंड द स्टेट, जो हमारा स्टेट है मतलब जो हमारा पूरा इंडिया है, और जो ये हमारे नगर है, जो हमारा पूरा इंडिया है उसके बारे में इन साइंटिफिक मैनर, एक साइंटिफिक मैनर, ये नहीं कि कुछ भी हमने देखा और उसको उतार के रख दिया पॉलिटिकल साइंस में, ऐसा नहीं, उसका कोई साइंटिफिक एक तर्क, उस बात का कोई तर्क निकलना चाहिए, ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं। ये नहीं कि कुछ भी, आजकल तो पॉलिटिक्स में एकदम क्या ही बोले क्या ही चलता है, तो अब हर बात को हम उठा के पॉलिटिक्स साइंस पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ेंगे। जिन बातों का सच में कोई मीनिंग निकलता होगा, जिन बातों का कोई जो थ्योरी, जैसे बहुत बड़े 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 फिलोसफर्स जैसे एरिस्टोटल, एक और बात, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सबसे पहले ये भूलिएगा मत, मैं बताना भूल गई शुरू में, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है, एरिस्टोटल, 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 एरिस्टोटल है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये बड़े बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, ये वेस्ट के हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पॉलिटिकल साइंस को डेवलप करने में और लाने में। तो ये इन्हीं इसलिए इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। और एरिस्टोटल जो कि जैसे कि सोशियोलॉजी में, आपके किसी को अगर याद हो तो मुझे कमेंट करें कि सोशियोलॉजी का फादर, फादर सोशियोलॉजी मैंने क्या बताया था, ठीक है, कमेंट करें मुझे। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस का फादर और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल, वैसे जैसे कि एरिस्टोटल जो थे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस थे, वैसे आपको सोशियोलॉजी का बताया था, तो मुझे कमेंट करके बताएगा ताकि मेरे पसंद है आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं वो टॉपिक अभी तक, ठीक है, आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। तो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी थिंकर्स थे जिन्होंने अपने थॉट्स बोल दिए, अपना कंट्रीब्यूशन दिया एज अ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को रखने में, लाने में। तो क्या है, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ सिटी एंड स्टेट इन साइंटिफिक मैनर। कोई भी चीज़, कोई भी अगर कोई सब्जेक्ट है तो किसी को भी हलवे की तरह नहीं पढ़ते हैं, एक सिस्टमैटिक कि पहले पॉलिटिकल साइंस जानेंगे, फिर स्टेट जानेंगे, फिर लिबर्टी, इक्वालिटी, लाइन वाइज, क्योंकि एक पे एक टिका होता है। तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। तो गाइस ये पढ़ने के बाद हम इसी तरह से समझे कि जैसे सिस्टमैटिक होता है और तो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक, ठीक, दोनों होने चाहिए, क्योंकि हम कोई सब्जेक्ट की स्टडी जब कर रहे हैं तो दोनों होता है, सिस्टमैटिक भी होती है और साइंटिफिक मैनर में भी होती है, ठीक। तो क्योंकि उस पर रिसर्च किया जाता है, बार बार उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको एज अ थ्योरी हमारे सब्जेक्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ सिटी एंड स्टेट इन अ साइंटिफिक मैनर, एक साइंटिफिक वे में इसको पढ़ा जाता है, जिसका कोई मीनिंग, जिसका आउटपुट कुछ निकले, ठीक है। उसमें हम क्या पढ़ते हैं, अपने स्टेट और सिटी को पढ़ते हैं, ठीक है।
ठीक, तो ये था हमारा इतना। उसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं कि एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो कुछ अपने अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी, जैसे कि J.W. गार्नर ने क्या बोला कि पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड विद स्टेट। पॉलिटिक्स बिगिन एंड एंड विद स्टेट, कि पॉलिटिक्स शुरू होती है और ख़त्म होती है कहाँ पे? स्टेट से, जो हमारे इंडियन टेरिटरी है वहाँ से। ठीक है, हमारी इंडियन टेरिटरी है वहाँ से शुरू भी होती है और ख़त्म भी होती है। और अब हम क्या देखेंगे, दूसरा डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कंसर्न इटसेल्फ विद द लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज स्टेट। ये किसने कहा? लास्की ने कहा। ये जो स्टडी होती है पॉलिटिकल साइंस की, कंसर्न इटसेल्फ विद द लाइफ, वो किसके बारे में होती है, किसकी किस पे जोर देती है, किसके बारे में? कंसर्न इटसेल्फ किसके बारे में जोर देती है, किसके बारे में कहते हैं? कंसर्न इटसेल्फ विद द लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज स्टेट। जो मेल और फीमेल है, मैन और वुमेन है, वो हमारे स्टेट में, हमें इंडियन टेरिटरी में कैसे रहते हैं, कैसे वे में काम करते हैं, क्या उनका वे है, क्या उनका तरीका है। तो द स्टडी ऑफ पॉलिटिक कंसर्न्स वो किस पे फोकस करता है? पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडी है वो फोकस करती है इटसेल्फ विद द लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन। जो एवरी पर्सन है, मैन है, वुमेन है, मेल है, फीमेल है, जो भी है, उनकी जो लाइफ होती है वो उस ऑर्गेनाइज्ड वे में, जो हमारे स्टेट में, मैन एंड वुमेन इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज स्टेट, उनका रिलेशन वो हमारा जो इंडिया टेरिटरी हो, जो हमारा स्टेट है, उसके साथ कैसा है, कैसा हम मतलब वो उसका रिएक्शन कैसा है, हमारे जो पीपल्स हैं मैन एंड वुमेन, उनका रिएक्शन कैसा है और आपस में उन दोनों का इंट्रैक्शन कैसा है, यही सब हम पढ़ते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस में। हमारी इंडिया, हमारे पीपल, यही सारी चीज़ें पढ़ना है हमारे पॉलिटिकल साइंस में। तो J.W. गार्नर ने कहा पॉलिटिक्स बिगन एंड एंड्स विद स्टेट। पॉलिटिकल साइंस पूरा क्या एक्सप्लेन करता है? हमारे स्टेट को एक्सप्लेन करता है, उसमें रह रहे लोगों को बारे में एक्सप्लेन करता है। क्या कि जो हमारा इंडिया कंट्री है, उसकी जो बाउंड्री है, उसके अंदर की जो भी चीज़ें होंगी, कैसे सोसाइटी को फ्लरिश करना है, कैसे सोसाइटी को क्या फैसिलिटी देनी है, बेसिक उसकी नीड प्रोवाइड करनी है, कैसे किस स्टेट पे ज़्यादा जोर देना है, किस स्टेट पे कम जोर देना है, किसको कौन सी डेवलप हो चुकी है, कौन सी डेवलप नहीं है, कहाँ पावर्टी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें क्या है? पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो एक मैन और वुमेन उस पॉलिटिकल, वो स्टेट जो है, स्टेट जो टेरिटरी के अंदर कैसे है, उसका एक दूसरे से इंट्रैक्शन, उस स्टेट का वहाँ के पर्सन का क्या इंट्रैक्शन, वो कैसे एक दूसरे के बिहेव करते हैं दूसरे के साथ, तो वही सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा? मीनिंग, डेफिनेशन। तो और ये भी जाना है एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस कहाँ से आया है? पॉलिटिक्स वर्ड से। और पॉलिटिक्स वर्ड्स कहाँ से डिराइव होता है? पॉलिश एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। सिटी स्टेट मीन्स कि हमारा जो एक राज्य, एक हमारा स्टेट, हमारा एक टेरिटरी जिसके अंदर हमारा पूरा एरिया है। ठीक, तो इसलिए इसको ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ सिटी एंड स्टेट इन अ साइंटिफिक मैनर। पॉलिटिकल साइंस है वो स्टडी है किस चीज़ की? स्टेट एंड सिटी एंड स्टेट की, एक साइंटिफिक मैनर में। क्योंकि ऐसे ही तो कुछ भी मतलब उठे, उसको ऑब्जर्व किया, कुछ भी मिला और थ्योरी बना के, नहीं, उसको बार बार ऑब्जर्व करते हैं, बार बार देखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तब उसके ऊपर बहुत सोचने समझने के बाद, बहुत सालों के बाद एक थ्योरी मेक होती है। ठीक, तो उसके बाद हमें पहला डेफिनेशन था पॉलिटिकल बिगिंस एंड विद स्टेट, जिसको J.W. गार्नर ने दिया कि पॉलिटिक्स शुरू और ख़त्म होती है कहाँ से? हमारे स्टेट से। दूसरा डेफिनेशन था द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कंसर्न इटसेल्फ विद द लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज स्टेट। जो हमारा स्टेट है वो क्या, और उसके जो पर्सन रहते हैं वहाँ पे, उन दोनों के साथ क्या, उन दोनों का क्या इंट्रैक्शन है, क्या रिलेशन है, वो पढ़ते हैं। तो अभी इतना ही। अब हम अपने इस वीडियो में दूसरा टॉपिक देखेंगे जो है नेचर। ठीक है, तो अब नेचर समझते हैं। जैसे कि आपको बताया मीनिंग और डेफिनेशन, और उसके बाद उन सभी को समझने के बाद एक छोटी सी और चीज़ जान लीजिए कि जैसे आपको बताया था एरिस्टोटल इज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर है। ठीक, ये तो थी बाहर वेस्ट की बात, लेकिन हमारे इंडिया में एज अ पॉलिटिकल साइंस को बताने वाला सबसे पहला कोई बुक वगैरह वो क्या थी, उनको देखते हैं। एक थे हमारे मनु और दूसरे थे चालुक्य। तो
सबसे पहले हम मनु की बात करते हैं। सबसे पहले मनु एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में सोचा, समझा और लिखा भी। उनकी बुक थी मनुस्मृति, मनुस्मृति उनकी बुक थी मनुस्मृति, जिसे उन्होंने लिखा, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट बुक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स मनु, जो कि फोर्थ सेंचुरी की बात है, फोर्थ सेंचुरी में थे ये, जिन्होंने अपनी बुक लिखी मनुस्मृति। मनुस्मृति उन्होंने लिखी अपनी बुक, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट बुक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की पहली बुक हमारी। इसके दूसरे हैं चालुक्य। चालुक्य उनको कौटिल्य भी कहते हैं, उनकी एक बुक थी अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, क्या कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिसमें इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया, पॉलिटिकल साइंस में को समझाया, उसका सिस्टम वगैरह चीज़ें बताई इन लोगों ने। और यही से हमारे इंडिया में पॉलिटिकल साइंस के जो ओरिजिन है वो मनु से शुरू होकर चालू किया, फिर ऐसे 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 आगे बढ़ता गया। और अगर हम बाहर की बात करें तो सबसे ग्रेटर है तो एरिस्टोटल रहे, ग्रीक फिलोसोफर रहेंगे जो कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी हैं। ठीक, तो मीनिंग डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें समझ गए हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ। उसके बाद हम मीनिंग और डेफिनेशन समझ गए थे, ये कुछ दो लोगों के बारे में जान लिया जो हमारे कंट्री के थे और शुरू हुआ उनका। अब हम क्या देखेंगे गाइस, अब हम जानेंगे इसका नेचर और फिर स्कोप। तो नेचर मीन्स व्हाट, नेचर मीन्स कि उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका कैरेक्टर, वो एक्चुअल में है क्या। जो पॉलिटिकल साइंस था वो पहले हमने जाना कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, अब पॉलिटिकल साइंस कैसा है, क्या है अब वो कैसा है, क्या है जान गए अब वो कैसा है ये जानेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं कि वो कैसा है। तो हम क्या पढ़ेंगे, नेचर। अब हमें नेचर पढ़ना है, ठीक, नेचर पढ़ना है क्योंकि डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं, ये अगर पोर्शन हमने कवर कर लिया और हमें ये पढ़ना है। ठीक, तो देखिए नेचर, नेचर जो होता है उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको मैं पहले यहाँ लिख दे रही हूँ फिर आप लोग को बताती हूँ। तो पहला पॉइंट जो है, जैसे आप पहले ये जाने कि नेचर होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने मीनिंग डेफिनेशन वगैरह मेरा मनु और कौटिल्य के बारे में जान लिया, अब मीनिंग डेफिनेशंस हो गए, अब नेचर्स। तो नेचर में हमें क्या पढ़ना है कि वो कैसा है, देखते हैं वो जो पॉलिटिकल साइंस क्या था हम जान लिया, वो कैसा है उसका नेचर बिहेवियर देखेंगे। तो पॉलिटिक्स इज नॉट अ मेयर इंस्टीट्यूट, जो हमारा पॉलिटिक्स है वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं है ऑफ गवर्नेंस, जिससे हम पीपल्स को, पूरी सोसाइटी को या पूरे स्टेट को गवर्न करते हैं। पॉलिटिक्स इज नॉट अ मेयर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, वो गवर्न करने का सिर्फ एक इंस्टीट्यूट, एक संस्था ही नहीं जिसके थ्रू हम लोगों को, सोसाइटी के लोगों को गवर्न करते हैं, बट ऑल्सो अ मैकेनिज्म फॉर अचीविंग सोसाइटल गोल। जबकि वो सिर्फ वो पॉलिटिक्स इज नॉट अ मेन इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल साइंस है वो इंस्टीट्यूट, एक संस्था ही नहीं है जिसके थ्रू लोगों को हम गवर्न करते हैं या उनको गाइड करते हैं या उनको उन पर रूल करते हैं, बल्कि वो एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है फॉर अचीविंग सोसाइटल गोल। सोसाइटी का गोल, जो सोसाइटी का गोल है उसको अचीव करने की एक अचीव करने का एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस है, एक कोशिश है। तो जो सोसाइटल गोल क्या होता है, सबसे पहले सोसाइटल गोल क्या होता है, तो सोसाइटल गोल में तो सोसाइटी को यहाँ से यहाँ अपलिफ्ट करना है, उसको ये फैसिलिटी देनी है, वहाँ बिजली लाना है, पानी लाना है, इरीगेशन फैसिलिटी देना है, हाउसिंग फैसिलिटी देनी है, टॉयलेट हर घर में होना चाहिए अपना, फिर इरीगेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, हर किसी का अपना एक घर होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटी क्या होती है, हमारी सोसाइटी का एक गोल होता है, बेसिक नीड तो मिल ही जाए। तो जो अपनी सोसाइटी का जो हमारा गोल होता है उसको अचीव करना, करने का जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म होता है, वो भी पॉलिटिक्स हमको स्टडी कराता है। पॉलिटिक्स इज नॉट अ मेन इंस्टीट्यूट, जो हमारा पॉलिटिक्स है वो सिर्फ एक संस्था नहीं है जो कि गवर्न करती है लोगों को, बट ऑल्सो अ मैकेनिज्म फॉर अचीविंग सोसाइटी गोल, और बल्कि उसके अलावा एक वो मैकेनिज्म है, प्रोसेस है जिसके थ्रू सोसाइटी के गोल को पूरा कर पाते हैं। ठीक, ये तो हमारा पहला था। और दूसरा नेचर क्या है, पॉलिटिकल साइंस इज दस अ स्टडी ऑफ द स्टेट, वो पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टडी करता है स्टेट का, हमारे टेरिटरी का, हमारे इंडिया का,
देखिए हम इंडिया में रहते हैं इसलिए इंडिया की बात करते हैं, अगर यही पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी अगर फ्रांस में पढ़ी जाएगी तो वो कहेंगे हमारे फ्रांस का, तो मतलब जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसकी स्टडी करते हैं हमारे कंट्री में, हमारे पॉलिटिक्स उसकी स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट, हमारे स्टेट के जो हमारे टेरिटरी हमारे इंडिया है उसकी स्टडी इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अच्छा कैसे पास्ट भी प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी, आप कहेंगे कि हम तो अभी जो चल रहा है वो पढ़ते हैं या जो फ्यूचर में होने वाला उसको प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक। लेकिन पास्ट कैसे देखिए, पॉलिटिकल साइंस में से पास्ट में जो इलेक्शंस हुए इतने सालों से ये पार्टी जीतती आ रही है तो अब ये जीतेगी हो सकता है, ठीक। इतने सालों से ये थ्योरी फॉलो करने पे ये रिजल्ट आ रहा था, मे बी अब इस थ्योरी को इस तरह से फॉलो करें तो ये रिजल्ट है। तो हमारा जो पास्ट है उस पर भी स्टडी करती है कि हमारे पास्ट में पॉलिटिक्स में हुआ क्या, प्रेजेंट में चल क्या रहा है और फ्यूचर में हो क्या सकता है, जो जो चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करके हम चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस इज दस अ स्टडी ऑफ स्टेट इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों को स्टडी करता है पॉलिटिकल साइंस, हमारे जो पास्ट में पॉलिटिक्स में जो चीज़ें हुई हमारे प्रेजेंट में भी हुई और जो फ्यूचर में हो सकती हैं, ठीक। अब उसके बाद में तीसरा क्या है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल फंक्शन। जो पॉलिटिकल साइंस है वो हम जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे लेजिस्लेटिव है एग्जीक्यूटिव है जुडिशरी है, ठीक, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कराता है प्लस पॉलिटिकल प्रोसेस, जो भी बहुत सारे प्रोसेस हैं हमारे पॉलिटिक्स में जिसके थ्रू हम सोसाइटी के गोल पूरे करें जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें अचीव करें उस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं, प्लस पॉलिटिकल फंक्शन, उस पॉलिटिकल में क्या फंक्शन होते हैं, उस पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या फंक्शन है, क्या रोल है अलग अलग लोगों के, क्या उनके वो क्या करते हैं कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, वो फंक्शन पढ़ते हैं और उसमें क्या प्रोसेस होता है वो प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक समझे। वो ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, उसमें बैठे हुए लोगों का क्या रोल है, प्लस वो लोग क्या प्रोसेस करते हैं, वो सारी चीज़ तीनों चीज़ हम पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं वो क्या है, उसका रोल क्या है, प्लस उसमें बैठे हुए लोगों का रोल क्या है, उनका फंक्शन क्या है और उसमें वो लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं, वो सब हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। अब चौथा, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। जो पॉलिटिक्स है वो हम उसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हैं, वही कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट स्टेट लेवल का कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट, ये सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं पॉलिटिक्स के वो हम पढ़ते हैं। एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो भी पॉलिटिक्स के ऊपर थ्योरीज बनी हुई हैं अलग 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 पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिलोसफर्स के हिसाब से, वो थ्योरीज हम पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद में स्टडी ऑफ सेवरल सब फील्ड, और उसके बाद भी हम उसके अंदर कुछ सब फील्ड, उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर कुछ छोटे छोटे फील्ड हैं उनको भी पढ़ते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे कि हम यहाँ बता चुके हैं पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं कि अलग अलग जो भी चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर थ्योरी लिखी गई कि ऐसा करने पे ऐसे होगा, अलग अलग थिंकर का अपना अपना बिलीव है पॉलिटिकल साइंस को लेकर, वो थ्योरीज हैं। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी, हमारे गवर्नमेंट हमारे यहाँ इंडिया में कैसी पब्लिक पॉलिसी बनती है वो पढ़ते हैं, प्लस नेशनल पॉलिटिक्स, हमारे नेशन में कैसी पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे कंट्री के हमारे स्टेट के रिलेशन दूसरे स्टेट से कैसे हैं, अथवा हमारे इंडिया के रिलेशन दूसरे अमेरिका से कैसे हैं, फ्रांस से कैसे हैं, ब्रिटेन, तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेचर में हम जाएंगे तो नेचर में कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ मेयर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, वो सिर्फ गवर्न नहीं करता है लोगों को बट ऑल्सो अ मेकनिज्म फॉर अचीविंग सोसाइटी गोल, एक प्रोसेस के थ्रू एक सोसाइटी का गोल पूरा करते हैं हम लोग, वो पढ़ा जाता है इसमें कि कैसे सोसाइटी का गोल पूरा करें। प्लस पॉलिटिकल साइंस इज दस अ स्टडी ऑफ द स्टेट इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट में क्या था पॉलिटिकल साइंस, अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये पढ़ते हैं। तीसरा स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन प्लस उसमें कौन कौन लोग हैं उनका काम क्या है और वो क्या प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल फंक्शन पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी, वहाँ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसकी स्टडी करते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या है कैसे उनका काम क्या है, और फिर जो थ्योरीज हैं जो अलग अलग थिंकर ने बनाई हैं पॉलिटिकल साइंस के ऊपर वो पढ़ते हैं। फिर कुछ सब फील्ड भी हैं उसके अंदर, जैसे कि हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है जो हम पढ़ते हैं, पब्लिक पॉलिसी है हमारे कंट्री में पब्लिक के लिए कैसी पॉलिसी बनाई जाती है वो, फिर नेशनल पॉलिटिक्स है हमारे नेशन में कैसी पॉलिटिक्स होती है वो, क्या हम क्या क्या फॉलो करते हैं पॉलिटिकल साइंस का,
फिर इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे कंट्री के दूसरे कंट्री से या हमारे स्टेट के दूसरे स्टेट से क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, ठीक है। तो नेचर में इतना ही था, अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है गाइस, वो भी देख लेते हैं। तो जैसे नेचर, तो नेचर को हम लोग देखते हैं टू व्यू से, दो व्यू से, टू व्यू ऑन द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, दो व्यू है पॉलिटिक्स को देखने का। तो हम नेचर जाने थे इसके पहले, अब दो व्यू है पॉलिटिक्स को देखने का। जो पहला व्यू है पॉलिटिक्स एज अ साइंस और इज नॉट अ साइंस, पहला क्या कहता है पॉलिटिक्स इज अ साइंस, दूसरा कहता है पॉलिटिक्स इज नॉट अ साइंस। अब क्या बेसिस है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं पॉलिटिक्स इज अ साइंस, अब क्या बेसिस जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ साइंस, ठीक। तो एज अ साइंस हम क्यों साइंस उसको मानते हैं, पहला स्टडी इज अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक। हम पॉलिटिकल साइंस को एक सिस्टम से पढ़ते हैं, जैसे आपकी जैसे ये ओपी गवा आपकी बुक है, इसमें पहले आपका एक सीरियल वाइज पूरा सिलेबस डिसाइड है, तो क्या एक सिस्टम है ना, सिस्टम से हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे। तो ये क्या है, स्टडी इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक। दूसरा एक्सपेरिमेंट इज पॉसिबल इन पॉलिटिकल साइंस, एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है, कैसे एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है, जैसे कि कोई थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, उस थ्योरी को हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, प्लस वो यूनिवर्सल भी है, ठीक। उस कोई थ्योरी है उसको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, वो यूनिवर्सल है, प्लस वो थ्योरी बनी कैसे, किसको हम हर जगह फॉलो कर सकते हैं। तो थ्योरी जो बनी वो हज़ार बार किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को फोकस करके उस पर हज़ार बार स्टडी हुई, उस पर रिसर्च की गई हज़ारों साल तक, फिर समझ में आया नहीं इस चीज़ को फॉलो करके यही रिजल्ट आएगा, तो क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, समझा गया, फिर एक थ्योरी बनी। तो एक्सपेरिमेंट इज पॉसिबल इन पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि हम किसी इंडिविजुअल पे स्टडी कर रहे हैं कि अगर वो एक नॉर्मल बंदा है, कोई क्राइम नहीं कर सकता, बड़ा ही सिंपल है, अगर हम उसको एग्रेसिव मतलब उसको उसके जो सादगी है उसको छेड़े, बार बार उसको परेशान करें, उसको रिटेट करें, तो क्या उसका रिएक्शन आएगा। वो एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जब वो भी हम पे वार करेगा, तो हम उसको हज़ार बार हर तरीके से इरिटेट करके देखें और किस कंडीशन पे वो हम पे रिएक्ट किया, हम पे वार किया। तो कि इस तरह से हज़ार बार स्टडी करके एक थ्योरी बनाई जाती है कि ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, तो जो थ्योरी है वो एक्सपेरिमेंट करके ही तो हम कोई थ्योरी बनाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट इज पॉसिबल इन पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे हमें बहुत सारी थ्योरीज हैं वो बहुत सारे फिलोसफर्स ने हज़ारों बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद थ्योरीज लिखी और उसको बनाया, ठीक। तो जैसे कि कहा लिबर्टी लिखा जाता है, लिबर्टी जो है हमारी मतलब जो हमारी आज़ादी है, लिबर्टी को आज़ादी लिखेंगे, लिबर्टी नहीं फ्रीडम, फ्रीडम वही तक अच्छी है जो दूसरे की फ्रीडम ना छीने। हम फ्रीडम को तो कहा गया कि फ्रीडम मतलब जो हम फ्रीडम में मतलब जो हम करना चाहें हम कर सकते हैं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बट वो फिर फ्रीडम को लिमिटेड भी किया गया है कि फ्रीडम वो फ्रीडम जो दूसरे की फ्रीडम को ना छीने, हमारे फ्रीडम वो फ्रीडम होनी चाहिए कि जो दूसरे की फ्रीडम को ना छीने। तो ये लॉ कैसे बना, हज़ार बार सोसाइटी में देखा गया होगा कि लोगों को फ्रीडम देने का क्या मतलब, वो दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, दूसरे पे ये कर रहे हैं, क्राइम बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तभी हम क्या बोले एक लिमिट लगा दी फ्रीडम पे। तो फ्रीडम हमारी फ्रीडम हम जो भी मन करें वो कर सकते हैं, लेकिन वो जो हमको फ्रीडम मिली है वो किसी और के फ्रीडम को रोके ना, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट इज पॉसिबल इन पॉलिटिकल साइंस। यदि हम देखें लाइक अदर साइंस हैज़ अ एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल लॉ, जैसे यूनिवर्सल लॉ कैसे, जैसे हम बताएं ना कि एक थ्योरी बनी वो हम इंडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, वही थ्योरी वही हम फ्रांस में भी फॉलो कर सकते हैं, वही हम अमेरिका में भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये क्या है, वो थ्योरी जो यूनिवर्सल है वो कहीं भी फॉलो की जा सकती है, पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी, ठीक। और एब्सोल्यूट उसका रिजल्ट भी मतलब वो एब्सोल्यूट है, जो थ्योरी लिख दी गई वही थ्योरी है, मतलब उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक। वही यहाँ पर भी फॉलो होगी, वो वही वहाँ पर भी फॉलो होगी। जो अलग अलग थिंकर जब आप पढ़ेंगे उनकी थ्योरीज पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, थ्योरी जो लिख दी गई वही थ्योरी रहती है और वही हर कोई पढ़ता है और वही हर कोई लागू होता है, तो वो एब्सोल्यूट है और प्लस यूनिवर्सल है, हर जगह फॉलो होता है, ठीक। अब चौथा पॉसिबल टू मेक प्रिडिक्शन, हम प्रिडिक्शन मतलब फ्यूचर को मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे हम इलेक्शंस होते हैं तो एग्जिट पोल आता है, तो एग्जिट पोल क्या आता है, हमारा प्रिडिक्शन ही होता है, हाँ ये हो सकता है कि ये पार्टी ज़्यादा जीतेगी, ठीक। तो क्या है प्रिडिक्शन है, इसलिए हम कहते हैं कि ये साइंस है। पहला स्टडी इन सिस्टमैटिक मैनर, जैसे आपकी बुक में पूरा सिलेबस दिया है सिस्टम से, तो
तो उसे सिस्टमेटिक आप पढ़ेंगे लाइन वाइज अपने पॉलिटिकल साइंस को, तो सिस्टमेटिक मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट इज पॉसिबल इन पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि आपको बताया कि कोई भी थ्योरी है तो बनती है हज़ार बार उसको किसी पर्सन को ऑब्जर्व करके, उस पर एक्सपेरिमेंट कर करके, तो फाइनल जो रिजल्ट आता है उससे हम एक थ्योरी बनाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट इज पॉलिटिकल पॉसिबल इन पॉलिटिकल साइंस, एक्सपेरिमेंट इज पॉसिबल इन पॉलिटिकल साइंस। लाइक फिर उसका तीसरा, लाइक अदर साइंस हैज एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल लॉ, जो उसके थ्योरी जो उसके लॉ है वो अगर इंडिया में फॉलो होंगे तो वो फ्रांस में भी फॉलो हो सकते हैं, वो अमेरिका में भी फॉलो हो सकते हैं, जर्मनी में फॉलो हो सकते हैं, हर जगह फॉलो हो सकते हैं। ठीक, पॉसिबल टू मेक प्रिडिक्शन, हम अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे कोई इलेक्शन हुआ तो हमें अंदाजा प्रिडिक्शन एग्जिट पोल आता है ना कि हाँ मे बी बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, बसपा सपा कोई भी जीतेगी, हमें एग्जिट पोल बताते हैं। हाँ इलेक्शन से एकदम पहले तो भी पहले आता है एग्जिट पोल, तो उसमें हम बताते हैं कि ये जीत, उसमें रिजल्ट तो नहीं होता, हम अनुमान ही लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रूफ करती हैं चार पॉइंट पॉलिटिकल साइंस एज अ साइंस, क्योंकि साइंस भी एकदम सिस्टमैटिक है, उसमें भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें भी एकदम एब्सोल्यूट लॉ होता है, लॉ जो यहाँ होगा वो वहीं होगा। जैसे न्यूटन के थर्ड लॉ है, और तीनों लॉ अगर यहाँ फॉलो हो रहे हैं तो वहीं दूसरी जगह भी फॉलो होंगे, पूरे कंट्री में कहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी फॉलो होंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं तो जो साइंस को रिप्रेजेंट करती है सारी चीज़ें। अब पॉलिटिक्स इज नॉट अ साइंस, ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो ये भी बताती हैं वो कि पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है। वो क्या है, नो एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल लॉ लाइक फिजिकल साइंस। एब्सोल्यूट यूनिवर्सल लॉ तो है, लेकिन जैसे कि फिजिकल साइंस में होता है हमारे वैसा नहीं है। जैसे कि 100 डिग्री पे पानी खोलेगा, वो आप कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ वो खोलेगा ही खोलेगा किसी भी एरिया में। लेकिन मे बी हर जगह का पॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस है, जो इन्वायरमेंट है पॉलिटिकल का, पॉलिटिक्स का, वो अलग अलग होता है। तो मे बी थ्योरी जो हो उसको थोड़ा सा चेंज करके फॉलो करना पड़े। ठीक, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम चाहे तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ तो हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इस तो हमारे यहाँ का लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंज नहीं करेंगे, कोई भी कितना भी बड़ा भी पावर बैठा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस भी बनाए गए हैं जिसके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। तो एक यूनिवर्सल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज भी कर सकते हैं। वो यूनिवर्सल लॉ है वो नहीं होगा, पर कुछ ऐसी चीज़ें एक्सेप्शनल केस होंगे जहाँ हम चेंज भी करेंगे। तो क्या उतना मजबूत लॉ नहीं है जैसे कि हमारा साइंस का लॉ होता है, लेकिन एब्सोल्यूट उतना नहीं है जितना साइंस फिजिकल साइंस होता है। ठीक, इसलिए भी कह सकते हैं कि वो साइंस नहीं है। दूसरा, डज नॉट फॉलो थ्योरी कॉज एंड इफेक्ट। देखिए जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट, जैसा हम करेंगे हमको वैसा ही रिजल्ट मिले ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा करती है पर उसका बेकार रिजल्ट मिल जाता है। उसी के जस्ट पहले अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट वही चीज़ करके लोगों को खुश कर दी तो नेक्स्ट गवर्नमेंट ने भी सोचा कि हम ये करके लोगों को खुश कर दें। मे बी उस समय की कंडीशन कुछ और हो, इस समय की कंडीशन कुछ और हो, तो कंडीशन की वजह से क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि जो हम किए उसका रिजल्ट हर वक्त सेम आए। समझ रहे हैं ना, जैसे कि नागरिकता कानून, ठीक नागरिकता कानून हो गया, उस पर जो हमारे कंडीशन थे हमारे हमारे कंट्री की उस सिचुएशन जब ये आया नागरिकता कानून तो इतना ज़्यादा उसके ऊपर बवाल हुआ। तो मे भी कहीं दूसरे दूसरी कंट्री में देख लीजिए नागरिकता कानून आया लेकिन कोई बवाल नहीं हुआ, वहाँ पे भी नागरिकता बहुत सारी कंट्री में है लेकिन वहाँ कोई बवाल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर्कमस्टांसेस भी मैटर करते हैं कि कौन सी कंट्री के कैसे सर्कमस्टांसेस हैं, कैसा एनवायरमेंट है पॉलिटिकल। जैसे हमारा सेक्युलरिज्म बहुत, मतलब कहने को सेकुलरिज्म है पर बहुत ज़्यादा भेदभाव है, तो इन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन अदर कंट्री में नहीं है तो वहाँ अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गई ये चीज़, यहाँ नहीं हो पाई। तो इसीलिए क्या कहा गया, डज नॉट फॉलो थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि अगर हम जैसे यहीं पे यहाँ पे अगर हम ये फॉलो किए तो ये दंगा हुआ तो वहाँ पर भी NRCC लगाएंगे तो दंगा होगा, नहीं ऐसा नहीं होता कि हर जगह कॉज एंड इफेक्ट सेम हो। और अपनी ही कंट्री में आज एक साल पहले ये चीज़ करें तो दंगा हो रहा है, जरूरी नहीं कि एक साल बात करें तो दंगा तब भी हो, मे भी उस सिचुएशन बदल जाए उसमें दंगा ना हो, लोग एक्सेप्ट कर लें इसको। ठीक, तो कॉज एंड इफेक्ट जो होता है, कॉज एंड इफेक्ट उसको नहीं फॉलो करता है, इसलिए साइंस नहीं है। क्योंकि साइंस में क्या होता है, अगर पानी गैस पर चढ़ाया 100 डिग्री सेल्सियस पर है
तो वाटर वेपर की तरह वो इवापोरेट होगा ही, वो बॉयल होगा ही। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पानी रखें तो वो बॉयल होगा ही, इवापोरेट होगा ही। ऐसा नहीं कि यहाँ रखें तो ना होगा, यहाँ वहाँ रखें तो नहीं होगा, चाहे मतलब कुछ भी, मतलब रखे हैं तो वो उड़ने नहीं लगा, आइस बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ। अगर रखा है तो होगा ही, अगर ये किया है तो वो होगा ही, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऐसा फिक्स नहीं है। फिर तीसरा, नॉट डेवलप्ड इन रेगुलर एंड कंटिन्यूअस मैनर। जैसे कि साइंस में नई नई खोजें होती रहती हैं, होती रहती हैं और नई नई चीज़ें मिलती हैं, मतलब एकदम हमेशा मिलती रहती हैं। ऐसा पॉलिटिकल साइंस में नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस में हम नई नई खोजें कर रहे हैं और हमें मिल भी रहा है, ठीक है, हमें मिल भी रहा है, ठीक। तो जैसे कि नॉट डेवलप्ड इन रेगुलर कंटिन्यूअस मैनर, लगातार खोजें तो हो रही, मतलब जैसे साइंस की तरह वो रेगुलर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है साइंस की तरह, ठीक है। उसके बाद चौथा हमारा, साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन कैन नॉट बी अप्लाइड। देखो, साइंटिफिक जो हमारा मेथड होता है ऑब्जर्व करने का, वो अप्लाई नहीं होता है इस पर, एक्सपेरिमेंट का। कैसे नहीं होता है कि साइंस के लिए लेबोरेटरी होती है, चीज़ें होती हैं और ऑब्जर्व किया जाता है लगातार एक ही चीज़ पर। पॉलिटिकल साइंस उतना एक्यूरेट, हाँ एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे कि हमारा फिजिकल साइंस करता है। उस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता हमारे पॉलिटिक्स में जैसे कि फिजिकल साइंस होता है, इसलिए होती तो है लेकिन उतनी नहीं जितनी कि फिजिकल साइंस में है, इसलिए हम उसको साइंस नहीं कहते हैं। नॉट डेवलप, देखें कि पहला, पॉलिटिक्स इज नॉट अ साइंस, क्यों? पहला रीज़न, नो एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल लॉ, एकदम सही और हर जगह फॉलो होने वाला कोई लॉ नहीं है हमारे पास। दूसरा, डज नॉट फॉलो थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये करेंगे तो यही होगा, ये जरूरी नहीं है हर टाइम। नॉट डेवलप्ड इन रेगुलर कंटिन्यूअस मैनर, जैसे कि साइंस हमेशा आगे बढ़ता जाता है कि स्टेप बाय स्टेप नई नई टेक्नोलॉजी हम जानते आते हैं, वैसा पॉलिटिकल साइंस में नहीं है, ठीक है, कि कंटिन्यूअस बेसिस पे उसमें रिसर्च हो ही गए, नई नई चीज़ें आई गई हैं। चौथा, साइंटिफिक मैथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन कैन नॉट बी अप्लाइड। एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिफिक मैथड नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट तो करते हैं लेकिन साइंटिफिक मैथड से नहीं करते हैं, अलग अलग थिंकर्स अलग अलग मैथड अप्लाई करते हैं, अपना मतलब मेंटल यूज, अपना माइंड यूज करके उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक साइंटिफिक कोई फिक्स मैनर नहीं है कि ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कि दो पॉइंट्स थे जिसके थ्रू हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस को कैसे देखते हैं, उसका नेचर कैसे देखते हैं, ठीक। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। लोगों ने नेचर देख लिया, नेचर क्या था, प्लस उसको देखने का दो व्यू था, एज अ साइंस एज अ नॉट अ साइंस, वो भी देखा, ठीक। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, स्कोप। स्कोप में क्या है, स्कोप में क्या होता है कि स्कोप मतलब होता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है क्या क्या कवर करता है, उसके अंदर क्या क्या है, मतलब किस कितने एरिया को स्टडी करता है। वैसे तो पूरे स्टेट को मतलब वो स्टडी करता है, फिर भी एक बार देखते हैं क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हैं जिसके जिसको हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक। तो उसका स्कोप, ठीक। तो पहला, स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। हम जो जिस कंट्री में रहते हैं लोग, वहाँ की जो पॉलिटिकल साइंस है उन्हें क्या बताती है, पॉलिटिकल साइंस जो है स्टडी ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस क्या क्या स्टडी करती है, वो पूरी, जैसे हमारे स्टेट क्या इंडिया, तो इंडिया और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन दोनों की स्टडी क्या करती है, पॉलिटिकल साइंस करती है। तो हमारे स्टेट में चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्या चल रही हैं, क्या हो रहा है, प्लस गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का क्या रोल है, कैसे करना है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करेगा, कौन किसके ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहेगा, कौन इंडिपेंडेंट रहेगा, कौन किसका फंक्शन करेगा, क्या किसका रोल है, तो क्या, स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक। स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, वॉट एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। हमारे स्टेट में बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं, डिफरेंट पीपल्स के एसोसिएशन होता है, जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए एक एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कस्टमर फोरम है, स्टेट लेवल पे कस्टमर फोरम है। इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि फीमेल्स के लिए कोई इंस्टीट्यूशन, वहाँ के फीमेल्स की फ्रीडम और प्लस उनके जो पर्सनल केसेस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनाए, कोई ग्रुप बनाए, ठीक। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं जो पर्टिकुलर 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 टॉपिक्स पे डील करते हैं।
उसके नीचे मतलब सेंट्रल के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन जो मिलकर लोगों की हेल्प करते हैं, जैसे कि महिला सशक्तिकरण के एसोसिएशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इंस्टीट्यूशन चाहे एसोसिएशन, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जैसे कि रेप के सर को डील करने के लिए अलग इंस्टीट्यूशन बना है, ताकि उन चीज़ों को अलग ही जल्दी जल्दी डील करके देखा जा सके। ठीक है, तो उन सब चीज़ों की भी स्टडी कहाँ होती है, हमारे पॉलिटिकल साइंस में, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, प्लस स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू, स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू, जो हमारे कंट्री की चीज़ें हैं, जो भी हम पॉलिसी बना रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी फैसिलिटी दे रहे हैं, जैसे एजुकेशन है, रोटी कपड़ा मकान है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी जो बेसिक चीज़ है, वो हम कैसे हमारे कंट्री में, जो भी चीज़ें हमारे कंट्री की, जो भी एजुकेशन, रोटी कपड़ा मकान, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी ये सारी चीज़ें चल कैसी रही हैं, क्या है इनके बारे में, लोगों को कितना सब्सिडी, कितना कंसेशन, ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं, उनके बारे में क्या हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, प्लस जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे इशू रहता है, जैसे कि टेररिज्म है, ठीक, टेररिज्म है, और जो भी मेजर तो टेररिज्म ही आज के टाइम में जो हमारा इशू चलता है, और जैसे कोरोना वायरस जैसी चीज़ें आ गई हैं, तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लिए पॉलिटिकल साइंस को एक मौका, WHO जैसे उस पर बहुत सारी कंट्री को अपने अंडर रख के रिसर्च मतलब बहुत सारी स्टडी कर रहा है कि कौन सी कंट्री क्या कर रही है, अभी चाइना का जैसा था, तो ये जो इंटरनेशनल इशूज़ हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस था इंटरनेशनल इशू, ऐसे जो टेररिज्म है, तो ये सारी चीज़ें की भी स्टडी जो होती है अपने पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। ठीक, फिर स्टडी ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हमारे पास्ट में क्या हो चुका, हमारे प्रेजेंट में क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, और फ्यूचर में क्या हो सकता है, इन चीज़ों पास्ट में जो हो चुका जो हो रहा है उसके बेसिस पर फ्यूचर में क्या होगा के प्रेडिक्ट करके ये चीज़ें हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ये भी। फिर स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, पावर का बहुत बड़ा रोल है, एक डेफिनेशन भी है पावर से पॉलिटिकल साइंस की, कि पॉलिटिक्स इज नथिंग मोर देन पावर, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ पावर, जिसके हाथ में जो गवर्नमेंट है वही उसी के हाथ में पावर है और उसी का सारा गेम है। ठीक, तो वही पूरी पॉलिटिक्स को, पूरे स्टेट को वही कौन गवर्न करता है, जिसके हाथ में गवर्नमेंट, जिसके हाथ में सत्ता है, तो मीन्स जिसके हाथ में पावर उसी के हाथ में पूरे स्टेट का कंट्रोल, तो मतलब स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, कौन सा पावर कौन हैंडल करता है, किसके थ्रू हैंडल होता है, ये पूरे मतलब जैसा हमारी जो हमारी कंट्री है उसकी क्या पावर है और कंट्री के मुकाबले, ये भी हम स्टडी करते हैं, प्लस जो हमारी पावर उसके अकॉर्डिंग में हम अपने कंट्री को क्या दे रहे हैं, अगर हम बहुत ही अच्छे हैं, हमारी बहुत अच्छी पावर है और कंट्री के मुकाबले, तो हम अपने कंट्री को क्या वो दे रहे हैं और कंट्री के मुकाबले, तो इस तरह की स्टडी करना, ये सारी चीज़ें करना, अपनी कंट्री को एकदम डीपली समझना, उसके इंस्टीट्यूशन, उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसके एसोसिएशन, उसके इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन, नेशनल इंटरनेशनल इशूज, स्टेट और गवर्नमेंट, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो भी स्टेट में हुआ पॉलिटिक्स में, वो सारी चीज़ें, और फिर उस पावर, ये सारी चीज़ों को पढ़ने का, ये सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ते हैं हम, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, यही पॉलिटिकल साइंस का स्कोप है, और यही इसी के अंदर पूरा हमारा पॉलिटिकल साइंस घूमता है, यही सब चीज़ें हमें इतनी इतनी मोटी मोटी बुक्स में पढ़नी है। ठीक, तो जैसे कि हमारा सबसे पहले हमने अपना मीनिंग और डेफिनेशन देखा पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली में है क्या, फिर दो थिंकर मनु और कौटिल्य थे, जिन्होंने अपनी अपनी मनुस्मृति लिखी, और फिर कौटिल्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा, वो दोनों चीज़ें हुई, उसके बाद में नेचर ने देखा पॉइंट वाइज करके, फिर नेचर के बाद उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू थे नेचर को देखने के भी, एज अ साइंस एज अ नॉट अ साइंस, वो समझा कि साइंस कैसे है और साइंस नहीं, अगर कहें तो साइंस नहीं कैसे है, फिर उसके स्कोप क्या क्या स्कोप के उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये स्टेट और गवर्नमेंट, एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ठीक, तो ये था आज का हमारा पॉलिटिकल साइंस का वीडियो, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें जानी, और सबसे बड़ी बात, एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे, और दूसरी चीज़ ये कि आपको हमें कमेंट में बताना है कि सोशियोलॉजी के कौन से फादर थे, जिसको हम अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, और इसके आगे का जो थ्योरीज वाला पार्ट है, पॉलिटिकल थ्योरी पे जो कॉन्सेप्ट है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो थैंक
थैंक यू सो मच। और गाइस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं अपना जब भी नया नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आपको तुरंत वो वीडियो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए उसका और आप आराम से देख लें। तो गाइस अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई हो तो थैंक यू सो मच गाइस।